नमस्कार दोस्तों, लंदन की सड़कों पर चलती इन चमचमाती बसों की तरह अब बिहार की सड़कों पर भी ऐसी ऐसी बसें दिखेंगी जो जीपीएस सिस्टम से लैस होंगी और इनमें सीसीटीवी कैमरा, आईटीएस डिस्प्ले, वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, आपातकालीन बटन, इमरजेंसी हैमर, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग जैसी कई आधुनिक सुविधाएं होंगी। यात्रियों के लिए इसमें 25 सीटें हैं और दिव्यांगों की व्हीलचेयर खड़ी करने के लिए जगह देने के साथ ही उनके लिए हाइड्रोलिक रैंप की भी सुविधा दी गई है। सबसे खास बात कि ये इलेक्ट्रिक बसें होंगी जो बिना प्रदूषण फैलाए सफर को अंजाम देंगी। आपको बता दें कि ऐसी 8 बसें पटना के फुलवारी शरीफ पहुंच भी चुकी हैं, जिनके रजिस्ट्रेशन और परमिट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। फिलहाल इन्हें पटना से राजगीर होते हुए बिहार शरीफ और पटना से हाजीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर तक चलाया जाएगा। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो बाकी जिलों को भी इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा। पटना में चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 21 होगी, वहीं मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ तक 2-2 बसें चलेंगी। अगर आप सोच रहे होंगे कि तमाम सुविधाओं से लैस इन बसों का किराया बहुत ज्यादा होगा तो आप गलत हैं। इन बसों का किराया सामान्य बसों से कम होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं जो डीजल से नहीं चलती बल्कि बैटरी चार्ज होने पर चलती है। इससे ईंधन की बचत होती है। एक बार चार्ज होने के बाद ये 6 घंटे तक करीब 250 किलोमीटर का सफर तय करेगी। फुल चार्जिंग में करीब 1 घंटे का समय लगेगा। 8 बसों के बाद बाकी बसें राजस्थान के अलवर से मार्च के दूसरे सप्ताह तक आने की संभावना है। फुलवारी शरीफ डिपो में एक साथ 8 इलेक्ट्रिक बसों को चार्ज करने के लिए आधा एकड़ जमीन पर प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। उम्मीद है कि मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत कर दी जाएगी। इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन के बाद हाजीपुर और पटना के बीच सीएनजी बसें चलाने की भी तैयारी। सीएनजी बसों का परिचालन शुरुआत में जेपी सेतु होते हुए हाजीपुर से पटना तक की जाएगी। इसके बारे में हमने एक अलग वीडियो में विस्तार से बताया है।